हेलो फ्रेंड्स, तो एक हफ्ता बचा है आप सीएपीएफ के 2019 के एग्जाम में। होपफुली आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी करी है। अब कुछ लास्ट मिनट टिप्स मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आपको क्या लास्ट वीक में करना चाहिए और अपना एग्जाम किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपने इस आखिरी हफ्ते के अंदर कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, कोई नया लेक्चर नहीं देखना है, कोई नई बुक कोई भी रेफर नहीं करनी है। आप सिर्फ जो आपके हैंड रिटन नोट्स हैं, आपके खुद के कोई आपने जो माइन्यूट नोट बनाए होंगे अपने खुद के अपने हाथ से, सिर्फ आपने वही पढ़ना है। उसके अलावा ये वक्त आ गया है दो चीजों पे ध्यान देने का। एक तो आपका जो एप्टीट्यूड का पेपर है, जो पेपर वन में आपके एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं, उसके ऊपर स्पेशल फोकस कीजिए, उसके फॉर्मूलाज, उसके शॉर्टकट्स अब आप एकदम से अपने प्रैक्टिस कर करके एकदम अपने टिप्स पे कर लीजिए। दूसरा, जो मिसलेनियस जी की आती है, फॉर एग्जाम्पल अवार्ड्स, स्पोर्ट्स के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं, उनको पढ़ने का अब ये बिल्कुल सही वक्त है, क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं होते, आप उनको लर्न कर सकते हैं, आप उनको मेमोराइज कर सकते हैं। तो आप उनको पढ़िए ताकि आपके एक्स्ट्रा 20-30 मार्क्स आ सके। अब आते हैं पेपर टू पे। देखिए, पेपर टू के अंदर जैसे कि अब कुछ आप नया तो नहीं पढ़ सकते हैं, जो आपने इतने दिन से अपने कॉन्सेप्ट बनाए हैं, जो आप अखबार पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं या आप कोई मैगजीन फॉलो कर रहे हैं, आपका जो कंटेंट बन चुका है वो बन चुका है, उसके बारे में अब सोचना बंद कर दीजिए। पेपर टू के लिए अब आपको जो ध्यान देना है, आपको इस बात पर ध्यान देना है कि आप अपना 3 घंटे का पेपर 3 घंटे के अंदर कैसे कंप्लीट करेंगे, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। तो अब ये हर एक पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से अटेम्प्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी का ग्रामर अच्छा है कि वो जल्दी ग्रामर अटेम्प्ट कर सकता है, तो आपने क्या करना है कि पहले आप ग्रामर को अटेम्प्ट कीजिए, पहले 20 मिनट में ग्रामर खत्म कर दीजिए और इंग्लिश का पोर्शन खत्म कर दीजिए विद इन 1 आवर, ओके। उसके बाद अपने आप एसेज पर जाइए और आर्ग्यूमेंट्स पर जाइए। लेकिन आप अगर ग्रामर के अंदर इतने अच्छे नहीं है, ठीक है, और आपको लगता है कि आप ग्रामर में पूरे मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते, आप कोशिश कीजिए एसे पहले करने की, क्योंकि एसे अगर आप अच्छा लिखेंगे तो आपको हर एक एसे के अंदर 2 से 3 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। सिमिलरली इन द केस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट के अंदर भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं अगर आप अच्छे से उसको लिखें। फॉर एग्जाम्पल, आपके 2 एसे बचे हुए हैं और आपके पास सिर्फ 20 मिनट बचे हैं, तो आप हैफजार्ड वे में आखिरी 2 एसे लिख के आएंगे तो उसमें बात नहीं बनेगी, क्योंकि यूपीएससी का एसे आपको प्रॉपर इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन चाहिए। सिमिलरली इन केस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, आपको प्रॉपर बॉडी, कंक्लूजन और जो दोनों साइड के अच्छे आर्ग्यूमेंट आपको लिखना पड़ेगा, ओके। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि आप ग्रामर में पूरे मार्क्स नहीं स्कोर करेंगे, आपका इंग्लिश थोड़ी वीक है, तो आप स्कोर करिए ऐसे के अंदर, खासकर हिंदी मीडियम वाले बच्चे पहले ऐसे लिखे, अच्छे ऐसे लिखिए। सिमिलरली इन द केस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट लिखिए और रिपोर्ट या पहले कंप्लीट करके उसके बाद इंग्लिश में मूव करें। अगर आप ग्रामर करना चाहते हैं तो ध्यान रखना कि ग्रामर के अंदर 15 मिनट या 20 मिनट से ज्यादा पहले मत दें, ओके। इंग्लिश के लिए इस एग्जाम में आपके पास सिर्फ हार्डली 1 आवर है, 2 घंटे तो आपको आर्ग्यूमेंट्स, एसे और रिपोर्ट्स पे ही लगाने हैं, ठीक है। अब अगर फिर से हम बात करें पेपर वन की, पेपर वन में देखिए, पहले अगेन आप पे डिपेंड करता है कि आपके एप्टीट्यूड सेशन कितना अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एप्टीट्यूड सेशन के अंदर काफी कॉन्फिडेंट है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप लास्ट हाफ एन आवर एप्टीट्यूड सेशन के लिए रखिए या फर्स्ट हाफ एन आवर एप्टीट्यूड सेशन के लिए रखिए और उसमें वो कंप्लीट कर दीजिए। उसके बाद अपना आराम से जीएस का पेपर अटेम्प्ट कीजिए। देखिए, पेपर वन में आपको जो ध्यान रखने की बात है वो ये कि पेपर वन में नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग मतलब कि आपको एक क्वेश्चन गलत करने पे 0.66 मार्क्स आपका कट जाएगा। तो इस वजह से आपको 125 में से 125 या 125 आपको 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं। आप अपना टारगेट रखिए 90-100 क्वेश्चन का और ये अटेम्प्ट कीजिए ताकि आप आराम से 130 के आसपास स्कोर कर सकें और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। ध्यान में रखने वाली बात यही है कि बिल्कुल अब स्ट्रेस मत लीजिए, कोई नई चीज मत पढ़िए, पूरा ध्यान रखिए अपनी सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर और अपने रिविजन पे। ऑल द बेस्ट फ्रॉम द टीम ऑफ अभिमन्यु ऑफ सीएपीएफ। होपफुली आप लोग एकदम रॉक कर देंगे पेपर को।